हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे BTC की क्विक अपडेट्स। मैं आपको दूंगा चार्ट पर ले जाकर, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस दिखाऊंगा और कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबर भी आ रही है BTC के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना अगर सब्सक्राइब नहीं करा, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी सीधा चार्ट पे चलते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखी मेरी तो जाकर देख लीजिए, मैंने वहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बताए थे। और इस भी जिस टाइम पे अभी जितने प्राइस चल रहे हैं, मैंने अपने टेलीग्राम पर कॉल भी दी है, अगर आप जाके देख सकते हो तो देखना जाकर कि मैंने जो प्राइस दिए हैं वो कहाँ तक के प्राइस दिए। तो खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं क्विकली आपको ये जो दो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं बॉक्स, तो ये रेजिस्टेंस के बॉक्स हैं, ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस, और यहाँ से मार्केट के प्राइस जो है हर बार हमको जो है नीचे जाते हुए देखेंगे। इन रेजिस्टेंस को ऊपर क्लोज ही नहीं कर पा रही मार्केट, मतलब यहाँ पे बेयर्स इतने स्ट्रांग हो रखे हैं वो इसको ऊपर ही नहीं ले जाने दे रहे, यानी कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी या बुल्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे अच्छे से तब हम कुछ बुलिशनेस देखेंगे मार्केट में। और ये पहला रेजिस्टेंस जो था, जो वहाँ मैंने अपनी पुरानी वीडियोस मेरी देखोगे वहाँ पर मैंने बताया था 40,000 के आसपास का जो रेजिस्टेंस था, उसके बाद तो ये रेजिस्टेंस चल ही रहा है, यानी कि ये सपोर्ट अपना 30,000 का जो सपोर्ट था वो भी चल रहा है। और इस बार जो लास्ट सपोर्ट था वो करीब था 30,200 के आसपास कुछ था, वो भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद 29,000 कुछ तक ये आ चुका है। अभी नया सपोर्ट बन गया, अगर यहाँ से देखते हैं, अगर मार्केट अब लोअर लो तो बना रही है, अगर यहाँ से आप देखेंगे ये देखिए ये मार्केट नीचे ही क्लोज दे रही है। अब ये वीकली क्लोजिंग जब होगी, ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज होती है आके, तब हम देखते हैं कि ये नया लोअर लो बनेगा या मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी। अगर बुल्स ने कुछ काम करके दिखाया तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। अब यहाँ से नीचे जाने की प्राइस प्रिडिक्शन क्या है भाई, देखो अगर चार्ट में पूरे दिखाए नीचे कोई लेवल तो है नहीं, यही लेवल था लास्ट, अगर इसको भी यहाँ से ब्रेक कर दिया तो ये मार्केट मतलब काफ़ी हम थोड़ा बहुत लंबा डंप देख सकते हैं। और ये आके करीब करीब यहाँ नहीं तो कुछ यहाँ कहीं 16,000 के आसपास मैं प्रिडिक्शन लेके चल रहा हूँ कि अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट हुआ तगड़ा तो यहाँ पर आगे रहोगे। अब इसमें करना क्या है इस मार्केट में, जैसे अगर मेरे जैसे बंदे हो आप, मैंने क्या करा, मैंने जो लेवल यहाँ पर दे रखा था अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करा और खुद भी एंट्री ली है, मैंने ETH में एंट्री ली है। मेरी जो मेजर होल्डिंग है वो ETH में है, बिटकॉइन में नहीं है। ये मैं शायद पहले भी अपनी वीडियोज में बता चुका हूँ, मेरी करीब 50% से भी ज़्यादा होल्डिंग मैं ETH में कर रहा हूँ। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और BTC में मेरा एक छोटा सा अमाउंट है और बाकी मेरे कुछ कुछ कॉइन्स हैं, वो कभी पोर्टफोलियो शेयर करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो मेजर रेजिस्टेंस है, जब तक ये दोनों ब्रेक नहीं हो पाते मार्केट, अगर इनको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकती और लोअर लो बनाएगी तो हमें और नीचे जाते हुए देख सकते हैं। अब इसमें अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है ये हम बात कर लेते हैं। देखो भाई, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, जब 60,000 पे चला गया था तो मुझे लोग मैसेज करके बोलते थे यार भाई अब खरीदूँ ना खरीदूँ, 60,000 पे चला गया, प्राइस तो बहुत लो चले गए, प्राइस तो बहुत हाई चले गए, अब क्या करना है, खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो भाई खरीद लो, जो 60,000 के इंतजार में थे वहाँ पर जाने वो बाय कर सकते हैं इस टाइम पर। और जिन लोगों ने 60 पे खरीद लिया है उनको क्या करना है भाई, देखो सेल करने का कोई पॉइंट नहीं है, 50% पोर्टफोलियो डाउन आ चुका है, इसको होल्ड करके रखिए। लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी बुलिश हूँ, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन अभी भी ऊपर जाएगा, मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ, टेलीग्राम पर भी बताता हूँ, इंस्टाग्राम जहाँ पर भी लोग पूछते हैं मेरे से कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है, 3-4 साल तक का आपका पर्सपेक्टिव है, 3 से 4-5 साल या थोड़े लंबे टाइम तक आप होल्ड करना चाहते हैं, या फिर आप SIP करना चाहते हैं, आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना, प्राइस नीचे आ गया और आप अगर उस टाइम पर नहीं खरीद पाए, आपने तब खरीदा तो आप यहाँ पर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, 50% डाउन आ गया। उसके बाद अगर मैंने जो लेवल बताया 16,000 का, अगर कुछ कुछ मतलब एक एक तरीके से पूरा इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है तो आप इन लेवल्स को ध्यान कर सकते हैं। बाकी जो लोग इंट्राडे में करते हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी कॉल देता रहता हूं मैं, तो वो लोग बियर, अब मान लो अगर यहाँ से जिन लोगों ने, अब ये यहाँ से यहाँ पर अगर मार्केट आई है इस लेवल से यहाँ तक, तो इसका मतलब किसी ने ट्रेड प्लेस करी है यहाँ पर, इसीलिए प्राइस नीचे आए हैं, किसी ने शॉर्ट कराए, बियर्स ने शॉर्ट कराए, इंस्टीट्यूशंस ने शॉर्ट कराए, तो शॉर्ट में भी तो पैसे बन ही रहे हैं, अगर आप केयरफुली ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पर भी पैसे बना सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है ये स्ट्रांग सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट इसलिए है क्योंकि देखो पहले भी मार्केट टेस्ट हो चुकी है और ये सेकंड टाइम अभी जो लास्ट, और यहाँ पर विगी बन रही है, मतलब पूरी पूरी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई, तो इसीलिए ये कैंडल जो बन रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था चार्ट का एनालिसिस, मतलब किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, और अगर किसी को एंट्री लेना चाहता है तो बेशक इस टाइम पर एंट्री ले सकता है।
अब आ जाते हैं कि भाई बीटीसी की कुछ न्यूज, मतलब क्या क्या हो रहा है मार्केट में, वो सब कुछ हम जान लेते हैं। तो ये एक जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है डेविड टाइस, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अपने एक आर्टिकल में बोला इन्होंने कि बिटकॉइन जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा रिस्की है, मतलब डेंजरस एक तरीके से नाम दे दिया। उसी के बाद से जो है मार्केट में डंप थोड़ा हमने देखने को मिला। खैर इनकी ही बात नहीं है, अभी मैंने पहले भी बहुत दिनों से बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि मार्केट इस टाइम पे वॉलेटाइल है, थोड़ा संभल के ट्रेड करना है। और अभी एक बात समझने की ये है, कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उन्होंने मार्केट में एंट्री ली थी, मान लो जब हम अगर चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं, अगर ये 16-15 हज़ार पे उन्होंने एंट्री ली, उससे प्राइस 60 हज़ार तक पहुंचाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय हो रहे हैं बिटकॉइन, बहुत ज़्यादा ट्रेडर बुलिश हैं, धड़ाधड़ बाइंग चल रही, तो वही लोग पहुँचाते हैं। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स की बस की बात नहीं है कि इतना इतना मार्केट में एकदम से पंप लेकर आए। अब मान लीजिए उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, फिर नीचे आए, फिर प्रॉफिट बुक करा, तो आप वेल्स जो हैं वो एक अच्छी एंट्री की तलाश में होंगे ना, वो इतने हाई प्राइस पे क्यों खरीदेंगे। जब कोई वेल्स हो गया, अगर मान लीजिए मैं अगर हजारों की क्वांटिटी में बिटकॉइन खरीदना है और मुझे उसका प्रॉफिट लेना है, तो मैं मार्केट को जब पूरा हिलाऊंगा तो मार्केट कम से कम मैं एक अच्छे प्राइस में खुद एंट्री लूंगा। तो वेल्स अभी एंटर ही नहीं हो रहे, जब वेल्स एंटर होंगे तब हम प्राइस में पंप देखेंगे। तो थोड़ा अगर डंप भी देखने को मिल रहा है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों के पास यूएसडीटी पड़ा है, जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो लगा सकते हैं इस टाइम पे। और हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, मार्केट जरूर ऊपर जाएगी। तो जब से इन्होंने ये बोला, एक तो वैसे भी मार्केट में हर छोटी सी बात हो, अगर कोई बियर वाली बात होती है ना कि मार्केट जैसे डाउन चली जाए, तो मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। हालांकि अब ये तो एक खबर आई थी, अब मैं आपको अच्छी खबर बताता हूँ जिससे प्राइस ऊपर जा सकते थे, मगर ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स ही ऐसे हो गए। ग्रे स्केल जो, जिसके बारे में अभी बातचीत चल रही है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, उन्होंने 15 न्यू एसेट्स अपने जो है अपने कस्टमर्स को ऑफर करे हैं, और सारे डिसेंट्रलाइज हैं, सारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में है, अपने डीफाई में उन्होंने कर रखे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको और कुछ दिखाऊं इसके बारे में, तो उसमें जो इन्होंने जो एसेट्स ऑफर करे हैं, मतलब एसेट्स ऑफर करना, जैसे कि ये तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स देते हैं कि आप लीजिए, हमारे इसमें इन्वेस्ट कीजिए, हमारी ये जो अपने अपने एसेट्स बताते होंगे कि इसमें, ऐसे ही इन्होंने 15 नए क्रिप्टो में एसेट्स, जैसे कि जो अभी बीटीसी अनलॉकिंग, उसका मतलब ही इन्होंने बीटीसी के शेयर दिए थे, GBTC जो थे, तो जैसे एक एसेट वो था, आप ऐसे ही 15 एसेट्स और ऐड करें। और उसमें जो है एडा, मतलब अपना कार्डानो जो है सबसे बड़ा कंपोनेंट है। तो बाकी के कंपोनेंट क्या है, क्या हो सकते हैं, अगर सबसे ज्यादा एसेट्स जो है इन्होंने सबसे ज्यादा परसेंटेज एडा की ऐड करी है, तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने खुद भी लिस्ट दे रखी है। उसके अलावा जो है यूनिस्वैप, मतलब सारा डीफाई का है अपना हिसाब किताब, यूनिस्वैप, आवे, कंपाउंड, कर, मेक, डाओ मेकर, सुशी स्वैप, सिंथेटिक, ईयर फाइनेंस, UMA, बेंचर नेटवर्क, बैंकर नेटवर्क टोकन, BNT, ये सारे अपने इन्होंने ऐड करे हैं। तो ये एक अच्छी खबर हुई ना, क्योंकि अब मान लो कंपनी 15 डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब डीफाई, इन्होंने डीफाई टोकन ऐड करे हैं, तो यार कितनी बढ़िया बात है। मगर मार्केट अभी बुलिश नहीं होगी, क्योंकि आप दूसरी बात देखो, बिटकॉइन माइनिंग जो है एक हिस्ट्री म्यूजियम इन्होंने बताया, वेनेजुएला में बना है, और उसमें क्या है, अगर आप जाएंगे फर्स्ट टाइम तो आपको पहले दिन से ही बिटकॉइन माइनिंग कैसे करते हैं वो आप सीख सकते हैं वहां पर। जैसे हम कई कई जगह जाते हैं, वहां पर लोग बताने वाले होते हैं कि सर मैंने ऐसे बनाया, ऑक्शंस वगैरह होते हैं, और कुछ आर्ट्स वगैरह, आर्ट्स म्यूजियम में जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अगर आप जाओगे तो पहले दिन से आपको BTC माइनिंग के बारे में बताने लग जाएंगे ये लोग, वो भी सीख सकते हैं। तो एक अच्छी न्यूज है। अब UAE की एक न्यूज आ रही है कि TRES जो है उन्होंने DMCC के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, और वहां पर ओवर द काउंटर ट्रेड लाइसेंस के लिए वो लोग अपना मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है। TRES इन्होंने पहले ही प्रपोजल दिया था, 2020 में प्रपोजल दिया था, तो उस टाइम पे अप्रूवल नहीं मिल पाया था क्रिप्टो करेंसी के लिए, मगर अब जो है अप्रूवल मिल गया है इनको। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में, ये वहीं के प्रेसिडेंट हैं अपने, शेख, पता नहीं इनका नाम तो मैं मुझे याद नहीं है। तो अब ये देखो, यूएस ही अच्छी खबर आ रही है, और यहाँ से ये देखो बिटकॉइन माइनिंग से लेके म्यूजियम बना दिया गया है, मतलब अडॉप्शन देखो किस लेवल पे चल रहा है। ग्रे स्केल ने 15 न्यू एसेट्स अपने ऐड कर दिए, मगर इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इस चीज से फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया भाई साहब ने कि बिटकॉइन बहुत डेंजरस है, बहुत वॉलेटाइल है,
तो मार्केट नीचे जा रही है, मगर इनकी वजह से भी नहीं जा रही, मार्केट के सेंटिमेंट्स ही ऐसे हो गए। मैंने आपको बता दिया, कोई वेल्स, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर्स एंटर ही नहीं करेंगे जब तक उनको लो प्राइस में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये हम लोगों को समझने की बात है। अभी मार्केट को एक थ्रेट की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, और ट्रेड कम कीजिए। लॉन्ग मतलब लॉन्ग में थोड़ा कम ही रही है, शॉर्ट्स की ट्रेड अगर आप ओपन कर सकते हैं, लो लेवल्स मैंने बताए हैं। अब ये लेवल सिर्फ इसी BTC के लिए नहीं, यही लेवल्स और भी, अब ये हम और भी चार्ट्स अगर खोल के देखेंगे, इथेरियम का या फिर मैटिक का, ऐडा का, XRP का, किसी का भी देखेंगे, तो उसी में कुछ कुछ इसी तरीके के सिनेरियो बन रहे हैं। कोई ट्रेड लेना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वो ले सकता है। थोड़ा अभी मतलब इस टाइम पर बाई की ट्रेड मैं कहूँगा अवॉइड करें, अगर आपको अच्छे ऊपर जाने के बाद एक अच्छा शॉर्ट की एंट्री मिले तो आप ले सकते हैं। और रेजिस्टेंस मैंने बता रखे हैं, रेजिस्टेंस समझने बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी ब्रेक हो ही नहीं रहे, रेजिस्टेंस ब्रेक करने में इतनी दिक्कत हो रही है वेल्स को, और जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है वहां से सीधा धड़ाम से नीचे आती है मार्केट, और लोअर लो बना रही है ऊपर से। ये देखो जो लास्ट कैंडल क्लोज हो रही है, लास्ट लो बन रहा है, उसके नीचे ही अगली कैंडल क्लोज हो रही है, तो ये थोड़ी खतरे की बात है। प्राइस देखते हैं कहाँ जाके थमते हैं, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। मैंने सिर्फ एक प्रिडिक्शन दी, आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो, ये न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को अच्छी दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, कुछ सजेशन है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोगों को साथ में ही ग्रो करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।